हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीलेश आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे और आपके चैनल इन्फॉर्मेंट नीलेश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र करने का तरीका बताएंगे कि आप कैसे फ़ोनपे में गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको यही जानकारी मिलने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैं गूगल पे को ओपन कर लेता हूँ। गूगल पे को ओपन करते हैं, इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाता है। दोस्तों मैं बता दूँ, गूगल पे से कुछ पैसे भी कमाए जा सकते हैं, वो पैसे मैं पहले आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं रिवार्ड्स में जैसे क्लिक किया, यहाँ पर दोस्तों वो सभी रुपये आ चुके हैं जितने मैं अभी तक कमा चुका हूँ। दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह पैसे कमाना चाहते हैं, एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस वीडियो को देख के आप पैसे कमा सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको अभी तुरंत चाहिए 55 रुपये का कैश बैक, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप लिंक नाम से एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप गूगल पे को इंस्टॉल करिएगा। अगर आपने पहले कभी भी अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे नहीं इंस्टॉल किया था, तो आपको 55 रुपये मिलेंगे जब आप पहला ट्रांजैक्शन करेंगे, और साथ में दोस्तों मुझे भी 55 रुपये मिल जाएंगे क्योंकि आप मेरे लिंक से इंस्टॉल करेंगे तब। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं कि आप कैसे गूगल पे के माध्यम से फ़ोनपे में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। आप जैसे गूगल पे को ओपन करते हैं, आपको डायरेक्ट यहाँ पर जी पे में देखिए न्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको न्यू में क्लिक करना होगा। आप न्यू में क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर ऐसे कर देना है। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल रहा होगा UPI ID QR, तो आपको इसी में क्लिक करना है। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, UPI ID और स्कैन QR कोड, तो आपको UPI ID में क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 2 में वो मोबाइल नंबर डालना है जिससे आप फ़ोनपे चला रहे हैं, यानी कि जिस फ़ोनपे में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है उसका यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको @ का ये वाला सिम्बॉल लगा देना है। पुनः से दोस्तों मैं बता दूं, पहले आप वो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा जिससे आप फ़ोनपे चला रहे हैं, और फिर @ वाला सिम्बॉल लगा दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना होगा YBL। दोस्तों पुनः से मैं बता देता हूँ, YBL। इसके बाद आपको वेरीफाई में क्लिक करना होगा। वेरीफाई में आप जैसे क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने वो नाम आ जाएगा जिससे आप फ़ोनपे चला रहे हैं। इसके बाद आपको ओके में क्लिक करना होगा। ओके में क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पे एंड रिक्वेस्ट का। तो आपको देखिए क्या करना, क्या आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको पे में क्लिक करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर जितने रुपये ट्रांसफ़र करने चाहते हैं वो रुपये यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैं यहाँ पर 52 रुपये लिख देता हूँ। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, किस लिए भेज रहे हैं, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैं लिख रहा हूँ भेज रहा हूँ गूगल पे से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गूगल पे से फ़ोन पे में। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं ये लिख दिया। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर देखिए नीचे ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू पे का, तो आपको नीचे प्रोसीड टू पे में क्लिक करना होगा। प्रोसीड टू पे में क्लिक करने के बाद दोस्तों आपसे UPI पिन डालने के लिए बोला जाएगा, तो आप अपना UPI पिन डाल दीजिएगा। UPI पिन सही रहेगा तो आपका पैसा निश्चित तौर से गूगल पे से कट के फ़ोनपे के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पेमेंट प्रोसेसिंग बता रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुली मेरे पैसे ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो दोस्तों अब चलिए आपको दिखा देते हैं कि पैसे फ़ोनपे में गए हैं कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों गूगल पे से डायरेक्ट हम बाहर आ जाते हैं, फिर हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर फ़ोनपे ऐप को। फ़ोनपे ऐप को जैसे ही आप ओपन करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आपको देखिए करना क्या है, हिस्ट्री देखना होगा कि आपका पैसा आया है कि नहीं। आपको नीचे हिस्ट्री मिल जाएगा दाएं साइड में, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊपर आएगा जो भी लास्ट ट्रांजेक्शन होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है रिसीव्ड फ्राम 52 रुपये क्रेडिटेड टू, यानी कि जो बैंक हमने फ़ोनपे के अंदर ऐड कर रखा वो यहाँ पर बैंक का नाम भी आ रहा है। और दोस्तों कितने बजे आया है, यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक करके वो सब देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, अभी 7:24 में 9 सितंबर 2019 को 52 रुपये आ चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी कि कैसे आप गूगल पे के माध्यम से फ़ोनपे में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को अपने 2-4 दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, साथ में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।